हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। तो देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में यूज़ किए जाते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली तीन लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। एक तो है आपका एंड ऑपरेशन के लिए, दूसरा है और ऑपरेशन के लिए, और तीसरा यूज़ होता है नॉट ऑपरेशन के लिए। तो देखिए, एंड ऑपरेशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इस पे क्या होता है कि एंड ऑपरेशन के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो उसका साइन होता है डबल एम्परसेंट। ठीक, डबल एम्परसेंट का साइन आप लगाएंगे तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे तो और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया जाता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कभी इसको गलती से या ध्यान न देके सिंगल एम्परसेंट मत यूज़ कर लीजिएगा, सिंगल वर्टिकल मत यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी मीनिंग सी लैंग्वेज में अलग होती है। और वो जब हम बिट वाइज ऑपरेटर वाला लेक्चर लेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें आपको कवर हो जाएगा। तो अगर आप सिंगल एम्परसेंट या सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे देन दे विल बी कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर। वो क्या होता है ये जब हम रेलिवेंट लेक्चर लेंगे उसमें आपको बताते हैं। आज हम लोग बात करते हैं लॉजिक ऑपरेटर की। तो देखिए, अब इसमें पहले हम लेते हैं एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सपोज कीजिए कि हमें पाँच सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमको इनपुट करने हैं कीबोर्ड से, ठीक है। ये हमको करना है, इन किसी स्टूडेंट के इनपुट करना है कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद हमें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद इस क्राइटेरिया के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए रूल्स क्या दिया हुआ है कि अगर उसकी परसेंटेज 60 या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट डिवीजन डिक्लेयर करना है। अगर उसकी परसेंटेज 50 से 59 के बीच में है तो उसको सेकेंड डिवीज़न डिक्लेयर करना है। अगर 40 से 49 के बीच में है तो उसे थर्ड डिवीज़न डिक्लेयर करना है। और अगर 40 से भी कम है, लेस देन 40, तो हमें उसको फेल डिक्लेयर करना है। तो देखिए, इस प्रोग्राम को आप इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसको एंड ऑपरेटर से बनाएंगे तो आप देखिए प्रोग्राम कितने सिंपल ढंग से और आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसमें हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट लाइन अगर लिखनी है तो लिख दीजिए, हेडर फाइल्स जो भी इंक्लूड करनी है, stdio.h वगैरह, वो इंक्लूड कर लीजिए। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं मेन से। तो मान लीजिए हमने ये लिखा मेन, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पांच सब्जेक्ट में मार्क्स इनपुट कर लें, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप है, और पांच मार्क्स हमने दे दिया ए बी सी डी ई। ये पांच वेरिएबल तो हो गए मार्क्स इनपुट करने के लिए, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने वेरिएबल ले लिया परसेंटेज, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट एफ और एंटर द मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स, पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कीजिए, ठीक। अब इसको हम स्कैन एफ स्टेटमेंट से कीबोर्ड से इनपुट करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो पांचों वेरिएबल चूंकि हमारे इंटीजर टाइप के हैं तो हम क्या करेंगे, इनके लिए डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे परसेंटेज डी। ये हो गए पांच। फिर हमने कोट्स क्लोज किया, ये किया, यहाँ पे एम परसेंट ए, फिर एम परसेंट बी, एम परसेंट सी, एम परसेंट डी और एम परसेंट ई। ये हमने पांच सब्जेक्ट में मार्क्स इनपुट कर दिए। अब जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज इज इक्वल टू हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और डिवाइडेड बाई 5। ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब हम कंडीशन लगाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या थी कि अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो हमने लिखा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमने प्रिंट एफ कर दिया फर्स्ट या फर्स्ट डिवीजन, जो भी लिखना चाहे। फिर उसके बाद इफ, अब यहां पे हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, तो ये एंड ऑपरेटर यूज किया हमने, परसेंटेज इज लेस देन
59। अगर ये स्थिति है तो हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ और सेकंड डिवीजन। ठीक, फिर ऐसे ही तीसरे कंडीशन में इफ, फिर हमने यहां पे लिखा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज लेस देन 49, तो क्या होगा? तो हम प्रिंट करेंगे इसको प्रिंट एफ और हम इसको लिख देंगे थर्ड डिवीजन, थर्ड। ठीक है, और अगर 40 से भी कम है तो यहां हम लिखेंगे इफ परसेंटेज इज लेस देन 40, तो हमने कर दिया प्रिंट एफ और यहां लिख दिया हमने फेल। ठीक, तो देखिए एंड ऑपरेटर की वजह से यही, अगर यही प्रॉब्लम अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट से बनाते हैं तो ना तो प्रोग्राम इतना छोटा बनता और उसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं, और एंड ऑपरेटर की मदद से आप इसको इजीली इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और ऑपरेटर को यूज करने के लिए। अब और ऑपरेटर को भी समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया है कि कोई ड्राइवर है, ठीक है, उसका हमको इंश्योरेंस कराना है, या ए कंपनी इंश्योर इट्स ड्राइवर इन द फॉलोइंग केसेस। कंडीशन क्या है कि इफ द ड्राइवर इज मैरिड हो तो उसका इंश्योरेंस होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, ठीक, और मेल हो एंड अबव 30 ईयर्स का हो, ठीक है, तो भी उसका इंश्योरेंस होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड और फीमेल है और उसकी जो एज है वो 25 साल से ज्यादा है, एंड अबव 40, सॉरी 25। तो अगर ड्राइवर की ये स्पेसिफिकेशंस है, अगर इफ ड्राइवर मैरिड है तो इंश्योरेंस कराना है, अनमैरिड है, मेल है और 30 साल से ज्यादा का है तो इंश्योरेंस कराना है, और अगर अनमैरिड है, फीमेल है और 25 साल से ज्यादा का है, ज्यादा की है, तो हमें इंश्योरेंस कराना है। तो अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए देखिए इफ एल्स से आप बना सकते हैं, आई नो यू आर कैपेबल, क्योंकि भी इफ एल्स के लेक्चर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, लेकिन हम इसको बनाते हैं और एंड और ऑपरेटर की मदद से। ठीक, तो अब इसको जैसे हम शुरू करते हैं, मान लीजिए तो सबसे पहले हमने से मेन लिया और यहाँ इनपुट कराया हमने, तो अब इसमें ड्राइवर का हमको सेक्स भी इनपुट करना है, मेल है या फीमेल है, और उसका मैरिटल स्टेटस मान लीजिए एमएस, ये एमएस हो गया मैरिटल स्टेटस के लिए और सेक्स हो गया, ठीक, और उसकी एज हम इनपुट कराएंगे तो इंटीजर टाइप होगी, तो हमने लिखा एज ऐसे। अब हमने कहा कि एंटर कीजिए, तो हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर एज सेक्स, एंटर एज सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस ये एंटर कीजिए, तो ये कीबोर्ड से एंटर होगा, तो इसको हम स्कैन एफ करके एक्सेप्ट करेंगे, स्कैन एफ। मान लीजिए एज के लिए परसेंटेज डी, सेक्स के लिए परसेंटेज सी और मैरिटल स्टेटस भी, मैरिट के लिए एम और अनमैरिट के लिए यू देंगे, तो ये भी परसेंटेज सी करेक्टर टाइप हो गया। यहाँ हमने दिया एम परसेंट एज, फिर हमने कहा एम परसेंट सेक्स और ये हो गया एम परसेंट मैरिटल स्टेटस, ये हम कीबोर्ड से इनपुट करा देंगे। अब हमें कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर मैरिड है तो बाकी और कोई कंडीशन, पहली वाली कंडीशन ये वाली, तो हमने सबसे पहले चेक किया इफ मैरिटल स्टेटस इज मेल, मैरिड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ ड्राइवर इज इंश्योर्ड, ड्राइवर इज इंश्योर्ड,
ये हो गया पहली कंडीशन। अब अगर ये चीज नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स। तो देखिए इफ एल्स से जब आप बनाएंगे तो यही प्रोग्राम आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम इसको इफ एल्स की बजाय हम इन सारी कंडीशंस को एक में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, इफ एल्स की, क्योंकि इफ एल्स से तो आप बना लेंगे, हम क्या करते हैं सारी कंडीशन को एक में ही इंक्लूड कर देते हैं। देखिए कैसे होता है, ये हमने लिया तो सबसे पहले हमने देखा कि इफ एम एस इक्वल टू एम पहली कंडीशन हो गई, मान लीजिए यहां से इफ की बॉडी शुरू कीजिए ये, और अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे, तो और में आ जाएगा आपका एम एस इज इक्वल टू यू अनमैरिड एंड मेल, तो एंड लगाइए तो हमने लगाया एंड सेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेल, और क्या है एंड अबव 30 इयर्स, तो फिर से आप एंड ऑपरेटर लगाइए एंड एज इज ग्रेटर देन 30। दूसरी कंडीशन ये हो गई, देखिए यहीं पे पूरे सारी चीजें हो गई। तीसरी कंडीशन फिर और करके, मतलब चाहे ये कंडीशन फुलफिल हो चाहे ये फुलफिल हो और चाहे जो तीसरी लिखने जा रहा है, ठीक, तो तीसरे में क्या है कि क्या है मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, तो फिर यहां पे आप लिखिए एम एस इक्वल टू यू फीमेल, तो एंड सेक्स इक्वल टू फीमेल हो गया एंड एज इज ग्रेटर देन 25। तो अब देखिए ये बंद हो गया, ये इफ के ये बंद हो गया। अब इन तीनों में से चाहे ये कंडीशन चाहे ये कंडीशन और चाहे ये कंडीशन, ये तीनों में से चूंकि और का ऑपरेशन लगा हुआ है, तीनों केस में क्या होगा प्रिंट एफ ड्राइवर इज एंश्योर्ड, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो ड्राइवर इंश्योर्ड होगा, अदरवाइज तो एल्स में हमने यहाँ इफ के बाद अब यहाँ पे हमने एल्स दिया एल्स और हमने लिख दिया ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड, प्रिंट एफ ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसी प्रोग्राम को अगर आप इफ एल से बनाते तो कितना लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, और ऑब्वियस सी बात है जब लेंदी होता तो एरर के चांसेस बढ़ जाते। और यही प्रोग्राम आपने जब और ऑपरेटर की मदद से बनाया है एंड और ऑपरेटर की मदद से, तो ये प्रोग्राम कितने इजली और कितने क्लियर उसमें बन गया है। तो मेन यूज़ यही होता है लॉजिक ऑपरेटर का, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।